हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंगूरी और आज की सुन आप लोगों को बताएंगे आरएस अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के पूरा 34 क्वेश्चन तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन में हमारे क्या है, सेम वही है जैसे कि आपके पूरे एक्सरसाइज में था। हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म दी है उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमें जो भी पॉलीनोमियल गिवन है उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये तो बहुत ही ईजी है। कैसे करेंगे, देखिए 21 पार्ट में हमारे पास है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी। अब अगर हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को लेते हैं और अगर हम इन दोनों को लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारा अच्छे से कॉमन नहीं मिल पाएगा। इसमें क्या कॉमन मिलेगा, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ए कॉमन मिलेगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इन दोनों को लेते हैं तो इनमें आपको बी भी कॉमन मिल जाएगा, एक्स भी कॉमन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए बी एक्स स्क्वायर के साथ क्या लेंगे, बी स्क्वायर एक्स लेंगे, और जो बचा हमारा वो क्या है, प्लस ए स्क्वायर एक्स है, देन प्लस ए बी है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें रीअरेंज करना पड़ता है। तो देखिए इसमें हमारे पास कॉमन है बी एक्स, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा ए एक्स एंड देन प्लस बचा बी, ए एक्स प्लस बी बचा। अब यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ हमारे पास कॉमन आएगा ए, तो बचेगा ए एक्स एंड प्लस बी। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है, सेम है दोनों टर्म्स में, तो ये मेरा कॉमन आ गया। एक ब्रैकेट में ये है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, बी एक्स प्लस ए है, यही मेरा क्या है, आंसर है। इससे आगे हम इसमें कुछ कॉमन लेकर के इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो ये मेरी क्या है, फैक्टराइज फॉर्म है, और ये क्या थी, एक्सपेंडेड फॉर्म थी। अब आगे देखते हैं 22 में क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस वन माइनस ए माइनस वन। इसमें क्या है, 6 टर्म्स है पूरी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन दोनों में कॉमन अगर लेते हैं, ठीक, तो इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद देखिए ये मेरे पास ये वाला और इनको, यानी कि इन दोनों को और इन दोनों को ऐसे साथ में लेंगे, तो इस वाली चारों टर्म्स को हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। तो ए एक्स माइनस ए हो जाएगा और प्लस एक्स माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले इन दोनों में कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, बचेगा क्या, एक्स माइनस वन बचेगा। अब मेरे पास क्या है, प्लस ए एक्स है देन माइनस ए है, तो इसमें मेरे पास प्लस ए आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा, एक्स माइनस वन कॉमन बचेगा, अब बच जाएगा। अब मेरे पास प्लस एक्स है माइनस वन है, तो इसमें हमारा प्लस वन आ जाएगा कॉमन, फिर से क्या बचेगा, एक्स माइनस वन बचेगा। अब यहाँ पर भी ब्रैकेट में x माइनस वन है, यहाँ भी ब्रैकेट में x माइनस वन है, यहाँ भी ब्रैकेट में x माइनस वन है, तीन तीन x माइनस वन हो गए। तो तीनों क्या है, तीनों मेरे कॉमन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा प्लस a एंड देन प्लस वन। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर क्या है, टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस एट एक्स वाई माइनस वन। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम 2x को लेंगे और माइनस एट एक्स वाई को लेंगे, और इधर 4y को लेंगे और माइनस वन को लेंगे। तो देखिए मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस एट एक्स वाई देन प्लस 4y माइनस वन। अब इनमें कॉमन क्या होगा, 2x कॉमन होगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, देन माइनस टू, 4 जो होता है तो 1 माइनस 4y आ गया। अब इनमें क्या कॉमन लेंगे, इनमें हम कॉमन ले सकते हैं, अगर देखिए अगर आप क्या करते हैं, अगर आप प्लस वन कॉमन लेते हैं, तो अगर प्लस वन कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 4y माइनस वन, तो 1 माइनस 4y, 4y माइनस 1 अंतर है। तो हम प्लस वन को ना कॉमन लेकर के माइनस वन को कॉमन लेंगे, तो माइनस वन को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बच जाएगा एंड देन माइनस का 4y बच जाएगा, क्योंकि साइन बाहर क्या है, माइनस है, तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा। अब क्या हुआ, 1 माइनस 4y दोनों ब्रैकेट में कॉमन, उसके बाद बचा इधर 2x माइनस 1, ठीक। नेक्स्ट क्या है, 24 ए बी देन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस क्या है, एक्स वाई देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हैं, उससे ज्यादा इजिली हमें दिखेगा, समझ में आएगा। तो देखिए ए बी का मल्टीप्लाई सबसे पहले एक्स स्क्वायर में करते हैं, तो क्या आएगा, ए बी एक्स स्क्वायर आएगा, फिर इस ए बी का मल्टीप्लाई हम वाई स्क्वायर में करते हैं, तो प्लस ए बी y स्क्वायर आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो मेरे पास आएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई।
अब इसमें क्या करेंगे, अगर इन दोनों को लेंगे तो इतना अच्छा कॉमन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में वापस से आपका ए भी कॉमन आएगा, क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, वापस वही वाली चीज आ जाएगी। हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, और देन हम इसको लेंगे इसको लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ए भी एक्स स्क्वायर रहेगा, देन माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई रहेगा, इन दोनों को लेना है, उसके बाद प्लस ए बी वाई स्क्वायर देन माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। आप चाहे तो आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर को और बी स्क्वायर एक्स वाई को भी कॉमन ले सकते हैं, और फिर इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं, या फिर इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को लीजिए। तो देखिए यहां पर क्या कॉमन आएगा आपका, यहाँ आपका आ जाएगा ए एक्स कॉमन। तो जब हम ए एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा, मेरे पास इधर बच जाएगा बी एक्स, एंड इधर मेरे पास बचेगा माइनस ए वाई। यहाँ पे हम लेंगे माइनस बी वाई को कॉमन, माइनस बी वाई कॉमन लेंगे, देखिए क्या बचेगा, अगर हम माइनस बी वाई कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचा, मेरे पास ए बचा और एक और वाई बचा, तो वो मेरा माइनस का ए वाई होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए वाई। एंड देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ मेरा एक बी आ गया और एक वाई भी बाहर आ गया, तो क्या बचा, बी एक्स बचा, वो भी प्लस का, मेरे पास आएगा प्लस बी एक्स। अब माइनस ए वाई प्लस बी एक्स को हम बी एक्स माइनस ए वाई तो लिख सकते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा बी एक्स माइनस ए वाई एंड देन ए एक्स माइनस बी वाई, ये मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट में बी प्लस वन एंड प्लस बी क्यूब। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इजी बनाने के लिए हम अपने ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो मेरे पास ए बी स्क्वायर आ जाएगा, देन इधर मेरे पास ए बी आ जाएगा, देन उसके बाद बी क्यूब आ गया। अब क्या होगा, अब हम ए स्क्वायर को और ए बी को ले सकते हैं, देन ए बी स्क्वायर को और बी क्यूब को ले सकते हैं, इससे ज्यादा बढ़िया कॉमन आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड देन ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो क्या हो गया, मेरे पास ए कॉमन आ गया, बचा मेरे पास ए प्लस बी, यहाँ मेरे पास बी स्क्वायर कॉमन आया, प्लस बी स्क्वायर कॉमन आया, तो मेरे पास बचा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी कॉमन है दोनों में, क्या बचा इधर, ए प्लस बी स्क्वायर बचा, ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ए क्यू प्लस ए बी देन ब्रैकेट में वन माइनस टू ए देन उसके बाद माइनस टू बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर मेरे पास आएगा ए क्यू देन प्लस ए बी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे देन इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो माइनस आ जाएगा टू ए स्क्वायर बी देन माइनस टू बी स्क्वायर। अब हम एक स्क्वायर वाला इसके साथ ले लेते हैं, एक हम इसके साथ ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लेंगे ए क्यू माइनस टू ए स्क्वायर बी एंड देन उसके बाद प्लस ए बी देन माइनस टू बी स्क्वायर। इनमें क्या कॉमन है भाई, ए स्क्वायर कॉमन है, क्या बचा ए बचा, देन माइनस टू आ गया एंड आगे बी आ गया टू बी। अब इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है बी मेरे पास, तो अगर आप प्लस बी कॉमन लेते हैं आपके पास क्या आएगा, प्लस बी आपके पास आएगा ए माइनस टू बी। अब इन दोनों में ए माइनस टू बी कॉमन आ गया एंड देन ए स्क्वायर प्लस बी बच गया, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया। 27 में क्या है, टू ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस टू ए बी माइनस ए सी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सी इधर है और इधर है, तो ऑफकोर्स इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को लेंगे, सब सब पता चल रहा, तो टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड देन प्लस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, आपका टू ए कॉमन है, क्या बचा ए माइनस बी बचा। इनमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इनमें हम प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा बी माइनस ए बचेगा, जो हमें चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे माइनस सी कॉमन लेंगे, तो माइनस सी कॉमन लेंगे तो मेरे पास ए माइनस बी आ जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है, ए माइनस बी कॉमन है, तो मेरा इधर आ जाएगा ए माइनस बी, इधर आएगा टू ए माइनस सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें भी इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कैसे, हम यहाँ पर अगर देखें तो ये बना रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बना रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और हमें ये सब, हम सबको ये पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab और साथ में आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, है ना, उसके बाद प्लस 2ab होता है, तो मेरे पास 2axby आ गया। ठीक, उसके बाद क्या है प्लस, अब हम यहां पर देखेंगे, अगर तो देखिए bx स्क्वायर है ना, उसके बाद प्लस ay का स्क्वायर माइनस 2 देन bx उसके बाद ay। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां पर आपका देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको ओपन अगर करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2axby उसके बाद प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर देन माइनस 2bxay। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसमें देखिए सेम वही चीज यहाँ पर भी है, बस आपको इसे आगे पीछे करके लिखा हुआ है, क्योंकि ये सभी हैं तो मल्टीप्लाई नहीं, ये भी आपका यही है ना, अगर आप सिर्फ इतने को देखें तो वो आपका ये है, और अगर यहां पर भी आप इतने को देखें तो वो भी आपका यही है, सब कुछ सेम है, 2 यहां पर है यहां पर भी है, b यहां पर है यहां पर भी है, a यहां पर है यहां पर भी है, x यहां पर है यहां पर भी है, y यहां पर है तो यहां पर भी है, तो दोनों क्या है सेम सेम है, बस आगे पीछे लिख रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको आराम से कैंसल आउट कर देंगे, कैंसल आउट क्यों करेंगे, क्योंकि ये प्लस का है और वो माइनस का है, तो ये मेरा कैंसल हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर अगर हम देखेंगे तो मेरे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो हम इनको ले लेंगे साथ में और इनको ले लेंगे साथ में, यहाँ बी स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों को साथ में ले लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर कॉमन क्या है ए स्क्वायर है, क्या बचा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, अब इसमें क्या कॉमन है बी स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचा, अब देखो यार ये प्लस में है तो अगर आप 2+3 लिखो या 3+2 लिखो दोनों क्या है सेम है, माइनस अगर यहाँ पर आगे पीछे होता तो उसमें दिक्कत होती, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में वही सेम चीज है, और क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, अब इसमें यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, सो दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 फिर से समझ लीजिए, हमने क्या करा a प्लस बी स्क्वायर का a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करा इसके लिए, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करा इसके लिए, अब ये हमने पूरा ओपन कर दिया, अब इसको इससे कट कर दिया, बस ज्यादा सिंपल है यार, और इसको इनके साथ दे लिया, इसको इनके साथ दे लिया, बस सब कॉमन करके हमारा क्या आ गया, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में एंड अनदर ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। आगे देखते हैं 29 में क्या है, a देन ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी, उसके बाद है मेरा माइनस बी सी, अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर आ गया, a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा, अब a का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा, नाउ a का c में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी याद रखिएगा तो माइनस ए सी आएगा, बचा क्या मेरे पास बाहर माइनस बी सी आ गया। अब देखो यार अब इसमें क्या करेंगे, माइनस ए सी है माइनस बी सी है और ए स्क्वायर प्लस ए बी है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है तो ये आपका ना पहले से बन रखा है, तो अगर इस पे आप कॉमन लेंगे तो ए कॉमन आ जाएगा बचेगा ए प्लस बी, यहाँ मेरे पास माइनस सी कॉमन आ जाएगा बचेगा ए प्लस बी, अब यहाँ भी आपका ए प्लस बी आ गया कॉमन एंड देन इधर आ गया ए माइनस सी, तो यही मेरा क्या है आंसर है। ठीक है आगे देखते हैं 30 में, अब a है देन ब्रैकेट में a माइनस 2b माइनस c देन ब्रैकेट क्लोज उसके बाद प्लस 2bc, अब क्या करेंगे, अब यहां पर मेरे पास a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो मेरे पास a स्क्वायर आ जाएगा, तो अब यहां पर a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा एंड देन a का माइनस 2b में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2ab आएगा, तो मेरे पास माइनस
टू ए भी आ गया। अब ए का मल्टीप्लाई माइनस सी में करेंगे तो माइनस ए सी आ जाएगा, बचेगा क्या टू बी सी बचेगा। अब देखिए ये भी पहले से अरेंज है, अब क्या करेंगे यहाँ पर ए कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बचेगा ए देन माइनस टू बी। सिमिलरली यहाँ माइनस क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस सी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा ए देन माइनस टू बी। अब यहाँ पर ए माइनस टू बी आ गया और इधर ए माइनस सी आ गया, यही मेरा क्या है आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 31 में, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस ए। क्या करेंगे हम, सबसे पहले ना इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सबसे पहले ए स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब देन प्लस एक्स, ये वाला इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना और इसमें इसमें करेंगे प्लस एक्स आ जाएगा एंड देन प्लस ए आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम एक काम कर सकते हैं इसको और इसको साथ में ले लें, इसको और इसको और देन इसको इसको साथ में ले लें, तो मेरे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए आ जाएगा देन प्लस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं ए, तो मेरे पास ए एक्स स्क्वायर बन जाएगा ठीक एंड देन प्लस वन आएगा। उसके बाद यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हम x कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा ए एक्स स्क्वायर बच जाएगा देन प्लस वन आ जाएगा। अब इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस वन एक ब्रैकेट में आ जाएगा एंड देन दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस एक्स आ जाएगा। दिस इज आर आंसर। ओके अब आगे आते हैं 32 में, ए बी देन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसके बाद क्या है प्लस एक्स देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ए बी देन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी आ गया, प्लस क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स एंड देन प्लस बी स्क्वायर एक्स ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसको ले दें और साथ में एक्स वाला ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स देन प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स। अब इसमें क्या कॉमन है भाई, तो इसमें हमारे पास कॉमन है पहली बात तो a और दूसरी बात x, तो ए एक्स कॉमन है। अब क्या आएगा हमारे पास बी एक्स आ जाएगा देन प्लस मेरे पास क्या आएगा a आएगा, तो bx प्लस a आ गया। इसमें क्या कॉमन है हमारे पास, इसमें हमारे पास कॉमन है px, तो प्लस बी एक्स कॉमन है हमारे पास। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हमारे पास a आ जाएगा देन अगेन प्लस मेरे पास, अब यहाँ मेरे पास अकेले सिर्फ b कॉमन है तो मेरे पास क्या बचेगा a बच जाएगा देन प्लस बी एक्स बचेगा। अब इधर और इधर सेम है तो बी एक्स प्लस ए आ गया एंड देन ए एक्स प्लस बी आ गया ठीक। अब यहाँ पर ये मेरा क्या है आंसर है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे लास्ट होंगे इस एक्सरसाइज के। इसमें क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स उसके बाद प्लस ए बी। अब इसको पहले ओपन करते हैं तो ए का एक्स मल्टीप्लाई करेंगे देन हम बी का भी एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आएगा देन माइनस ए एक्स आएगा देन माइनस बी एक्स आ जाएगा। ओके बहुत ही बढ़िया। उसके बाद मेरे पास आगे है प्लस ए बी। अब क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ एक्स को ले लेते हैं और बी एक्स एंड ए बी, क्योंकि यहाँ पे बी वेरिएबल आपका मिल रहा है ना तो इस वजह से लेंगे, तो ये पहले से बना बनाया है तो एक्स ले लेंगे तो मेरे पास एक्स माइनस ए बचेगा, इधर हम बी ले लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा मेरे पास बचेगा एक्स माइनस ए। अब एक्स माइनस ए इन दोनों में कॉमन है और बचेगा क्या एक्स माइनस बी, यही मेरा क्या है आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स। अब देखो यार ये एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिमाग क्या है, वो दिमाग ये है कि यहाँ पे दिख गया पहली बात तो अपॉन। अब इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे इनको एक साथ लेंगे और इनको एक साथ लेंगे। अब बोलोगे हैं ये कैसे, तो देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले अगर आपको एक चीज समझाएं तो आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है। आपके पास क्या है, आपके पास एक्स स्क्वायर है उसके बाद आपके पास प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है माइनस टू है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये मेरा इक्वल है एक्स, ये मेरा इक्वल है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर के। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये इक्वल है इसके, बताइए
कुछ लोग कहेंगे कि हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, जिनको समझ आ गया, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं बोल सकते, तो जिनको नहीं समझ आया उनको समझिए। देखिए पहले क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं, हम ऐसे समझते हैं कि कुछ है ही नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि x माइनस वन अपॉन x का होल स्क्वायर, मैंने बोला कि इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो देखिए ये मेरा क्या बना रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो ये आपका बना रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। अभी पढ़कर आए हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यानी कि यहाँ इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। अब x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू इंटू x इंटू इंटू क्या आएगा 1 अपॉन x। अब इस x से ये x कट गया तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, देन उसके बाद माइनस 2 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए क्या ये वही चीज लिखी है जो कि मैंने ऊपर लिखी थी, बिल्कुल ये वही चीज लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली ये आपका क्या है, ये आपका इसका होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 1 अपॉन x का क्या है, इनडायरेक्टली ये होल स्क्वायर, इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली ये होल स्क्वायर, क्योंकि आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। तो इसका मतलब जैसे अगर आपके पास x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं कहीं पर भी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2। सिमिलरली अगर मेरे को कहीं दिख जाए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2, अगर मेरे को कहीं पर ये दिख जाए तो मैं उसको लिख सकती हूँ x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, बात तो एक ही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 105 है, अगर मैं इसको 100 प्लस 5 लिख दूं तो कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये तो वही बात हो गई। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आपके पास ये है तो अगर आप इसको ये लिख देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर आ गया। इसमें आप क्या कॉमन लोगे भाई, इसको एक्सपेंड करोगे तो वापस वही आ जाएगा। तो इसको अगर फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है तो हम छोटा करके ये लिखते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है सीधे सीधे। इसमें कॉमन लेंगे क्या, इसमें कॉमन लेंगे भाई माइनस 3, तो क्या बचेगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो मेरा इधर बचेगा x, एंड इधर मेरा ऊपर 3 की जगह बचेगा 1, एंड नीचे बचेगा x, तो x प्लस 1 अपॉन x आ जाएगा। समझ गए, बहुत ही बढ़िया। अब इसके आगे कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यही मेरा क्या है, फैक्टराइज फॉर्म है। तो मेनली हमें इसमें क्या समझना था, हमें ये समझना था कि x माइनस मेनली तो मेनली हमें इसमें क्या समझना था कि x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल है। या फिर अगर मैं बोलूं तो ये समझना था कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 कहीं दिख जाए तो उसको डायरेक्ट आप क्या लिख दो, डायरेक्ट आप x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है। यहीं पर नहीं, आगे भी और यूज आएगा इसका, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।